नाती खुश हो गया। तो नानी ने कहा कि बेटा जब नाती खाने के लिए आता है मकर संक्रांति पर्व की खिचड़ी, तो नाती अकेला नहीं खाता है, नानी भी साथ में बैठकर खाती है। तो नानी भी बैठ गई उसी थाली के सामने, वो भी खाने लगी और नानी बात करने लगी, नाती को बहकाने लगी, बोली कि तुम्हारी जो माँ है वो मेरी सगी बेटी है, वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी, उसकी बहुत मैंने दवाई कराया, बहुत दुख हुआ उसका मुझे, तेरे मामा भी बीमार रहते थे, तेरे नाना बीमार रहते थे, उनका दुख बहुत भोगी, और तेरा एक मामा एक्सीडेंट में मर गया उसका दुख बहुत हुआ, तेरी एक मौसी बीमार होकर मर गई वो भी दुख हुआ। दुख दुख की चर्चा करती जाए नानी और घी तरफ से उठा उठा कर खाती जाए और नाती बातें सुनने में पड़ा। तो नाती ने सोचा ये तो बहुत चालाक है, दुख की बात सुन रही हो, खुद खा रही हो, हमको बातों में फंसा रही। तो नाती ने कहा नानी इतना तुम दुख कहाँ तक भोगोगी और कहाँ तक सहोगी, हम सबका दुख उठाकर एक साथ पी लेते हैं। उसने थाली उठाई और सब पी लिया, बोला सब दुख खत्म। जैसे उस नाती ने घी और खिचड़ी वाली थाली को उठाकर पिया, ऐसे भी तुम भी दुख को उठाकर पीना सीखो, दुख को उठाकर पीना सीखो। गम का जहर जिसको पीना आ गया, एक शायर कहता है, थोड़ा सीधे बैठो, तुम लोग झुक जाते हो। गम का जहर जिसको पीना आ गया, शंभुगिरी जी सुन रहे हैं? हाँ ठीक, तुमको साथ ही ले चलेंगे हम। इस जहां में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको ढंग से जीना आ गया, ढंग से जीना। गम का जहर पीना सीखो और तबसुम। कल मैंने एक कव्वाली सुनाया था, आज गजल है। मैं बड़ा कव्वाली गजल खूब गाता हूं, क्यों गाता हूं? गाता हूं इसलिए गाता हूं, क्यों मैं उनकी बात ही नहीं। और मेरे पिताजी भी बहुत कव्वाली सुनाते थे, गजल सुनाते थे, अरबी उर्दू फारसी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये भाषा जानते थे, बहुत बड़े गायक थे, और हर बात में सबको हंसाते थे, और महाराणा प्रताप जैसी मूछ रखते थे, शानदार ईमानदार वफादार आदमी, हजार में एक ही चमकता था आदमी। मुझसे कहते थे हम भी संत बनेंगे, तो हमने कहा आ जाओ मेरी मंडली में, बोले नहीं हम अलग मंडली चलाएंगे तुमसे। तो हमने कहा अलग चला तो बोले अगले जन्म में चलाएंगे, बुढ़े हो गए अब। तो ये गजल है, गम पर गजल है, गम। हर तबसुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। घर से ठोकर खाया हुआ व्यक्ति, समाज से ठोकर खाया हुआ व्यक्ति, राजनीति से ठोकराया गया व्यक्ति और बिजनेस में धोखा खाया हुआ व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठ करके इस गजल को गा रहा है। क्या गाता? हर तबसुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये गम, ये चिंता, ये टेंशन, ये तनाव, ये संताप आपकी जिंदगी को क्या से क्या बना देता है,
आपकी जिंदगी की खुशियों को जलाकर राख कर देता है, आनंद को खाक कर देता है। इसलिए चिंता को चिता कहा गया है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को जलाती है, और गम नाम चिंता का ही है। इसलिए गम भरी जिंदगी जलने की जिंदगी है, इसलिए गम को छोड़िए। ए गमे यार तेरी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो गई। कितने लोग राजनीति में भी बर्बाद हो गए, सब हस्ती मिट गई, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। कितने लोग बिजनेस में बर्बाद हो गए, घर की भी पूंजी चली गई। कितने लोग घर ही में बर्बाद हो गए, घर वालों ने बर्बाद कर दिया, सब निपट गए पूरा। बेटा बहू सब मिलके बर्बाद कर दिए। वो तो सौभाग्यशाली हैं जो घर में भी आबाद हैं, पॉलिटिक्स में भी आबाद हैं, बिजनेस में भी आबाद हैं, और जहां कदम रखते हैं वहां सफलता का द्वार खुलता चला जाता है। ऐसे लोगों को व्यास गाजी धन्यवाद दे। रे गमे यार तेरी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो गई है। हर तबसुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई। याद रखना, गम तो सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन जो गम को, उस दुख को, उस चिंता को खिचड़ी के घी जैसा उठाकर पी जाते हैं, गम को हजम करना जानते हैं, दुख को सहन करना जानते हैं, याद रखना उनकी राह के कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी तो गम आई थी, बहुत चिंता थी, दुख भी आया, लेकिन भगवान श्री राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना। कृष्ण के जीवन में बहुत गम आई, उनका स्वभाव था हंस कर रहना। कबीर के जीवन में भी उलझने आई, उनका स्वभाव था प्रसन्न होकर रहना। महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर के जीवन में भी उलझनों ने घेरा, लेकिन उनका स्वभाव था ध्यान में डूब जाना और गम से बाहर हो जाना। याद रखना, या तो ध्यान में डूब जाइए, या प्रसन्न होकर रहिए, या मुस्कुरा कर रहिए, या हंस कर ठहाका मार करके गम के बादलों को छाट दीजिए और सफलता का सूरज उदय कर दीजिए। किसी गांव में एक मेला लगा हुआ था। मेला में बहुत दुकानें लगी हुई थी, दुकानों में कुछ गुब्बारा की दुकानें भी थी। बच्चे गुब्बारा लेने के लिए मचल रहे थे, और गुब्बारा बेचने वालों की जब बिक्री कम हो जाती थी तो दो चार गुब्बारा हीलियम गैस भरकर आकाश में उड़ा देते थे। आकाश में उड़ते हुए गुब्बारे देख करके बच्चे अपने माँ बाप से जिद करते कि मैं भी लूंगा गुब्बारा, तो गुब्बारा वालों की बिक्री बढ़ जाती थी। याद रखना, सामान की बिक्री बढ़ाना है तो पहले कुछ फ्री भी देना पड़ जाता है। ये भी एक व्यापार का लेन देन का तरीका है। तो गुब्बारा लेने के लिए एक बच्चा मचल गया, अपने बाप से जिद कर लिया कि गुब्बारा लूंगा। बाप ने कहा, क्या करेगा गुब्बारा, क्या फायदा गुब्बारा में। बोले, लूंगा मैं तो फायदा और हानि से मतलब ही नहीं। बालक वही है जो फायदा और हानि का ख्याल ना करे। जवानी में भी वो बच्चे के समान है जिसको हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, वो बच्चा ही है। बूढ़ा होने के बाद भी जो परिणाम दर्शी नहीं है, वो अभी बच्चा ही है। शरीर भले बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका अनुभव ही बचका ना। इसलिए परिणामदर्शी बुद्धि होनी चाहिए, और परिणामदर्शी बुद्धि वाला व्यक्ति असफल बहुत कम होता है।
परिणाम सोचकर काम कीजिए, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। बाप बेटे को ले जाकर गुब्बारा वाले के पास पहुंचता है, गुब्बारा खरीदने वालों की भीड़ है, वो बालक गुब्बारा बेचने वाले का लंबा कुर्ता देखता है। कुछ लोग बहुत लंबा कुर्ता पहनते हैं, घुटनों से भी नीचे आ जाता है। लंबा कुर्ता पहनने में बहुत आराम है, अंदर अंडरवियर ना पहनो तो भी चलेगा। हाँ लेकिन अंडरवियर जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि कुर्ता हवा में उड़ जाए तो इज्जत का सवाल है, इसलिए अंडरवियर पहनना चाहिए। लोगों को सब याद आ जाता कि मेरा कुर्ता उड़ गया था एक बार। बहुत बड़ी घटना हुई, तो उसने उस लंबे कुर्ते को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू किया नीचे। तो गुब्बारा बेचने वाला तो गुब्बारा बेचने में बिजी था, अब नीचे कोई कुर्ता खींच रहा जबरदस्ती, तो वो मुड़ा और नीचे तरफ देखा, बोले कौन खींच रहा है? तो उस बालक ने कहा मैं खींच रहा हूं। बोले क्यों खींच रहे? गुब्बारा लेना तो इधर आओ। बोले गुब्बारा नहीं लेना है, गुब्बारा बेचने वाले से बात करना है। बोले बात करने का टाइम नहीं, उधर हटो। बोले बात ही करेंगे, गुब्बारा तो बात को लेंगे। तो उसने कहा ये जो लाल पीले रंग के गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो क्या सफेद रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा गुब्बारा रंग से नहीं उड़ रहा है, इसके अंदर हीलियम गैस भरी इसलिए उड़ रहा है। बोले वेरी गुड, यही तो जानकारी करनी थी, उड़ता कैसे है? तो उस बालक ने कहा हंस करके कि दादाजी आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा दिख रही, आपके बाप क्या करते थे? बोले अरे तू छोटा सा है, इतनी फालतू बातें करता है। बोले बता दो एक मिनट में। बोले मेरे बाप गुब्बारा बेचते थे। अच्छा वो भी गुब्बारा बेचते थे, तो तुम्हारे बाप के बाप क्या करते थे? बोले वो भी गुब्बारा बेचते थे। बोले आपका बेटा क्या करता है? बोले वो भी साथ में गुब्बारा बेच रहा है। बोले चार पीढ़ी से गुब्बारा बेच रहे हो, तो जो हीलियम गैस तुम गुब्बारे के अंदर भरते हो वो अपने अंदर क्यों नहीं भर देते हो? तुम भी उड़ जाओ ऊपर। कभी कभी बच्चे भी बहुत बड़ी बात कह देते हैं। उस बच्चे ने कहा कि दादाजी जैसे हर रंग का गुब्बारा हीलियम गैस भरने से आकाश में उड़ सकता है, ऐसे इस दुनिया का हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। आप चार पीढ़ी से गुब्बारा ही बेच रहे हो, आप अपने अंदर विचारों की हीलियम गैस भरो, संकल्प की हीलियम गैस भरो, संस्कार की हीलियम गैस भरो, और बहुत बड़ा संकल्प लीजिए और उसके बाद कोई बड़ा काम करके दिखाइए। ये गुब्बारा बेचने में क्यों अटके हो? आप भी तो ऊंचाई पर उठ सकते हो। उस बूढ़े के समझ में बात आई। शाम को जब घर लौटा तो उसने सोचा कुछ और काम करना चाहिए, कहां फंसा हूं। कुछ लोग अटके रहते हैं, अटके भटके जो हैं, भूले भटके किसी छोटे से काम में अटके रहते हैं, किसी छोटे से लक्ष्य में फंसे रहते हैं। आप ये भी आकलन करना कि आपकी प्रतिभा किस योग्य है, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस मत जाना। वो गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति दूसरे दिन विचार बदल देता है और बेटे से कहता है मैं तो गुब्बारा बेच रहा हूं लेकिन तू अब दूसरा काम सीख, शिक्षा प्राप्त कर। बेटे को शिक्षा दिलाया और शिक्षा प्राप्त करके उसका बेटा शिक्षक बना, और शिक्षक बना फिर विद्यालय खोला, और विद्यालय खोलकर अपने बाप को विद्यालय का प्रबंधक बनाया
अब बाप बेटों ने करोड़ों धन कमाया, नाम कमाया, दाम कमाया, ख्याति कमाई। मैंने सुना है एक गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहा था, तो गुरु शिष्य को शाम हो गई, रात हो गई, सोचने लगे कहीं रुक जाऊं, लेकिन पहचान नहीं, परिचय नहीं। तो देखा कि एक किसान का घर खेत में है, तो वहां गया। गुरु शिष्य पहुंचे और किसान ने देखा तो कहा, आओ महात्मा जी, प्रणाम आपको, धन्य भाग्य दर्शन हुई, आओ रात रुक जाओ। वहां रात रुक गई। उस किसान ने कहा, भोजन भाव? बोले, भोजन तो करूंगा नहीं। बोले, दूध पी लो। आधा आधा गिलास दूध पिया। किसान पड़ोस में बैठा, किसान का मीठा स्वभाव देख करके वो संत जी बहुत खुश हुए। आपका स्वभाव दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। स्वभाव बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन स्वभाव के प्रभाव से पैसे जरूर मिलते हैं, ये बात ध्यान देना। इसलिए हर महिला को भी सुंदर स्वभाव बनाना चाहिए। सुंदर चेहरा तो सब महिलाएं बनाती हैं, और सुंदर चेहरा पुरुष भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं, पर इनका तो बनता ही नहीं। अब क्यों बिगड़ गया यही जान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टेंशन होती है इनको, आफा काफा लाफा जाफा ज्यादा रहता है। पर सुंदर स्वभाव, सुंदर स्वभाव की नारी घर की शोभा है, सुंदर चरित्र की नारी घर की शान है, और सुंदर मधुर वाणी बोलने वाली नारी घर की संगीत है। और याद रखना, मृदु व्यवहार करने वाली नारी आपके घर की नारायणी है। ऐसी नारी जहां रहती है वहां लक्ष्मी का भी वास रहता है, वहां कभी गरीबी नहीं आती। परिवार को जोड़ने की कला भी सीखो, किसी के बहकावे में मत आओ। कई लोग बहकावे में आकर के परिवार के संगठन को कमजोर कर देते हैं।